कोरोना वायरस का संक्रमण जिले में लगातार बढ़ता ही जा रहा है और संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3800 के करीब पहुंच चुका है, जिसको लेकर भागलपुर जिले में कुल 100 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार और सीनियर एसपी आशीष भारती कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर शहरी क्षेत्र में बनाए गए कई कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग और कई विभागों के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए पूरे जिले में बनाए गए कंटेनमेंट जोन को अलग अलग सेक्टर में बांटकर सभी जगहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। साथ ही लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक करने के लिए माइकिंग भी कराई जा रही है। वहीं जिलाधिकारी और सीनियर एसपी ने खुद माइकिंग कर लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बताए। जिले में जो कोरोना के संक्रमण के मामले आ रहे हैं, तो उन सभी मामलों को कंटेन करने के लिए 100 से भी अधिक कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पूरे जिले में 100% कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करने के लिए टीम बनाई गई है, जिसमें कि डीएम एसपी के द्वारा भी संयुक्त रूप से आज भ्रमण किया गया है और किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिले में हर एक जगह, चाहे वह नौगछिया अनुमंडल हो या कहलगांव अनुमंडल हो, एसडीओ एसडीपीओ और अन्य सक्षम पदाधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। कमिश्नर डीआईजी के द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है, सभी के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य यह है कि कंटेनमेंट जोन 14 दिनों के लिए अभी प्रभावी किया गया है, ताकि कंटेनमेंट जोन में यदि कोई भी एक केस पाया गया है तो वहाँ से दूसरी जगह नहीं फैले, क्योंकि आईसीएमआर का यह कहना है कि जहाँ पे एक व्यक्ति यदि कोरोना से इन्फेक्टेड है वहाँ आसपास होने की संभावना रहती है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसके स्प्रेड को, इसके प्रसार को, इसकी व्यापकता को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन के लोग कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन करें। इसके लिए बैरिकेडिंग वगैरह, बैनर और लगातार माइकिंग कराई जाएगी। जिले में बढ़ रहे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मोबाइल कोरोना जांच की शुरुआत की गई। कोरोना जांच के किट से लैस मोबाइल वैन अभी भागलपुर के शहरी क्षेत्रों के लोगों की जांच करेगी। जांच की शुरुआत करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर मोबाइल वैन के द्वारा लोगों का जांच किया जा रहा है और जांच रिपोर्ट हाथों हाथ दे दिया जाएगा। मेन मार्केट है, उसमें जाकर जगह जगह पर कैंप लगाकर और वहाँ के लोगों का रैंडम हम लोग जांच करेंगे कि पब्लिक में इम्यूनिटी जो है, तो इम्यूनिटी इस बीमारी से कितनी आई है, कितनी नहीं आई है, इसके जांच के लिए हम लोग करने जा रहे हैं। बुधवार को पुलिस जिला नवगछिया में भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। पटना मध्य निषेध की विशेष टीम की ओर से बुधवार को गुप्त सूचना मिली थी कि पुलिस जिला नवगछिया के नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी गांव में भारी मात्रा में विदेशी शराब रखा गया है। विशेष टीम की ओर से नवगछिया एसपी स्वप्नाजी मेश्राम को जानकारी दी गई, जिसके बाद एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नवगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा को छापेमारी करने का निर्देश दिया। गाँव से नवगछिया पुलिस ने छापेमारी कर करीब 240 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया है। बीजेपी के विवादित नेता और सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसमें भारत संचार निगम लिमिटेड के 85,000 कर्मचारियों और अधिकारियों को उन्होंने गद्दार बताया। उनके इस वक्तव्य के विरोध में भागलपुर जिले के कर्मचारी ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कड़ा विरोध जताते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनंत हेगड़े को पार्टी से निकाले जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान एनएनएफटी के जिला सचिव सुनील प्रसाद सिंह ने कहा कि बीएसएनएल कर्मी हमेशा देश हित में कार्य करती है और ऐसे बयान देने वाले सांसद को बीजेपी पार्टी से निकाले, अन्यथा उनका प्रदर्शन पूरे देश में और उग्र होगा। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में बीएसएनएल कर्मी और अधिकारी मौजूद थे। केदारनाथ में घंटी हम बजाते हैं, जम्मू कश्मीर में सेना के साथ गोली हम खाते हैं, वहाँ थी नेटवर्क दे करके केरल के त्रासदी में हम खड़ा रहते हैं। हम आज 4G का इतना दिन से मांग कर रहे हैं, हमको 4G नहीं दिया जा रहा है, फिर भी हम 2G और 3G पर सब प्राइवेट वाले को पानी पिला रहे हैं। प्राइवेट वाला देश के जनता को लूटता है, लेकिन BSNL वाला देश की जनता का सेवा करता है। और हमारे जैसे देश के सेवा करने वाले कर्मचारी को, जिन्होंने इतना
सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसको जब गद्दार कहता है ये सरकार का अंग, तो ये हम कहाँ से उनको बर्दाश्त करेंगे। हम आपके चैनल से, प्रधानमंत्री से, जेपी नड्डा साहब से, संचार मंत्री से यह मांग करते हैं कि आप अनंत हेगड़े को भाजपा से बर्खास्त करो। भागलपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन जी जान से जुटी हुई है। वहीं सैंडिस कंपाउंड में झंडोत्तोलन के लिए बनाए जा रहे मंच का काम भी अब अंतिम चरण में है। परेड ग्राउंड को नगर निगम के द्वारा साफ करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस में होने वाले झंडोत्तोलन के पूर्व आज सैंडिस कंपाउंड में रिहर्सल के रूप में झंडोत्तोलन और परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी सह प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त प्रणव कुमार और SSP आशीष भारती को परेड ग्राउंड में कैडेटों ने सलामी दिया। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ जिले भर के लैब टेक्नीशियन आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। लैब टेक्नीशियन की बहाली में बिहार सरकार एवं बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की मनमानी के खिलाफ लैब टेक्नीशियन का यह हड़ताल पूरे राज्य में चल रहा है। लैब टेक्नीशियन की मांग है कि 10 साल से अधिक वर्षों से अपनी सेवा दे रहे टेक्नीशियनों का समायोजन बिना किसी इंटरव्यू के किया जाए। हम लोग यहाँ पर हड़ताल पर कल से बैठे हुए हैं। यहाँ पर जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं वो 10 से 15 साल से कार्यरत हैं। बिहार SSC चयन आयोग जो है हम लोगों को इंटरव्यू में नहीं बुलाया है, वो सब फ्रेशर लोगों को जो है, जो फ्रेशर लोग हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया। हम लोगों की सबकी यही मांगे हैं कि हम लोगों को समायोजन किया जाए। सरकार से मांग है कि हम लोग जितना अनुबंधित लैब टेक्नीशियन है सबको समायोजित किया जाए बिना साक्षात्कार लिए हुए, क्योंकि हम लोग 15 साल से काम करते आ रहे हैं अनुबंध के आधार पर। इसीलिए हम लोग को सरकार से मांग है कि हम लोग को समायोजन किया जाए। भागलपुर सदर अस्पताल स्थित क्षेत्रीय जांच घर में कोरोना का जांच कराने आए व्यक्ति ने जांच घर के कर्मचारी पर पैसे लेकर दूसरे की जांच करने का आरोप लगाया है। शाकुंड के रहने वाले दया सिंधु ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ हाथापाई कर उन्हें जांच घर से बाहर निकाल दिया गया। इस तरह की घटना सदर अस्पताल के कर्मचारियों के उदासीन रवैये को दर्शाता है। एक ओर जहां लोग कोरोना जैसी महामारी में त्रस्त है, दूसरी ओर मेडिकल स्टाफ द्वारा इस तरह का व्यवहार उन्हें मानसिक रूप से भी कमजोर बनाता है। साथ हम जब जांच करने के लिए गए, किस चीज का जांच करने गए थे? हम कोरोना वायरस का जांच करने के लिए गए थे। अच्छा। और वो हमारे पास गया और हमको कहा कि आप खड़े रहिए, हम खड़े रहे। तो दूसरे रोगी का चिट्ठा लेकर के, पैसा लेकर के उसको आगे किया, हमको धकेल के घिसटते हुए बाहर किया। हाँ, पैसा लेकर के जांच रखा है। वो बहुत दुष्कर्मी है और हम लोगों से बुरा व्यवहार करता है। मधुसूदनपुर इलाके के बड़ी दिग्गी गांव में एक विवाहिता का संदिग्ध अवस्था में टीन के छत वाले कमरे में फंदे से लटका शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर अलीगंज गंगटी निवासी मृतिका की मां नीलम देवी, पिता शिव प्रसाद यादव व भाई नीतीश कुमार मौके पर पहुंचे। परिजनों ने पति व ससुराल वालों पर महिला की हत्या कर फंदे से शव लटका कर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है। इधर सूचना पर मधुसूदनपुर OP के ASI अनमोल राम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ कर मामले की जांच की। मामला क्या है बता सर? ये लोग 3 साल मेरी बहन का शादी हुआ था सर, ये लोग पैसा का डिमांड कर रहा था सर, बार बार यही लोग धमकी दे रहा था सर। कौन? इसका अशोक यादव, उसका पूरा फैमिली, अशोक यादव का पूरा फैमिली, यही लोग बार बार बर्दाश्त। हम लोग रक्षाबंधन में हम और भैया समझाने के लिए इसको आया यहाँ सर, थोड़ा कि ठीक है ऐसा ना होगा सर, लेकिन आप क्या बर्दाश्त कर दिया है सर? क्या कर दिया? फौजी लगा के मार दिया सर, भाग गया घर से। कौन? सोनू यादव और उसका पूरा फैमिली सब।